हेलो एवरीवन, मैं अब आप लोगों को एक इस लेक्चर में एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा और ये बताऊंगा कि वर्डप्रेस काम कैसे करता है। अभी हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि वर्डप्रेस हम लोगों के सिस्टम पर इंस्टॉल्ड है, तो अब ये काम कैसे करता है। हाँ, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है मैं आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर जरूर बताऊंगा। तो वर्डप्रेस को काम करवाने के लिए हम लोगों को तीन चीज़ों की ज़रूरत है, और वो चीज़ें हैं, नंबर वन वर्डप्रेस की एप्लीकेशन, जो कि वर्डप्रेस की एप्लीकेशन जो कि हम लोग wordpress.org से डाउनलोड करेंगे। नंबर टू है वेब सर्वर, जो कि PHP एंड MySQL होगा। वेब सर्वर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग अपने वर्डप्रेस के एक ट्यूटोरियल के लिए जो है लोकल सर्वर का इंतखाब करेंगे। और उसके अलावा हम लोग डेटाबेस जो हम लोगों को एक रिक्वायर्ड होगी, जो कि MySQL डेटाबेस होगी। फिर अब जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्डप्रेस काम कैसे करता है, वो ये कि जब एक यूज़र जो है यूआरएल टाइप करता है यहाँ पर, तो यूआरएल टाइप करने के बाद वो यूआरएल जाता है डेटाबेस में, वर्डप्रेस की डेटाबेस में। डेटाबेस अपने अंदर सर्च करता है सारा डाटा और उसके रेलेवेंट रिस्पॉन्स जनरेट करता है, और वो रिस्पॉन्स यूं आपके वेबसाइट पर शो हो जाता है या आपके ब्राउजर पर शो हो जाता है। उसके अलावा अगर रिलेटिवली मल्टीपल रिस्पॉन्स जनरेट करवाने हो, तो उसका भी प्रोसेस सेम है। हम लोग मुख्तलिफ टैब्स ओपन करेंगे, वहाँ पे वेबसाइट का एंटर एड्रेस करेंगे और आपके सामने रेलिवेंट जो है वो रिस्पॉन्स जो है जाएगा वेब ब्राउजर से वर्डप्रेस की डेटाबेस में। डेटाबेस रिजल्ट रिट्रीव होगा और रिट्रीव होके वापस आपके वेब ब्राउजर पर शो हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।